हेलो फ्रेंड्स, सोनास खिचड़ी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम, देखिए ये वाली थालपोस की डिज़ाइन। ये देखिए, ये टिकिया वाली थालपोस की डिज़ाइन है, जिसको कि हम कई टिकिया बना करके ज्वाइंट करके आपस में इसको एक बड़ा सा थालपोस बना सकते हैं, या फिर आप टेबल कवर बना लीजिए इससे, या फिर थाली के लिए, छोटी थाली के लिए, पूजा की थाली के लिए आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से देखिए इसमें पत्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए इस तरीके से इधर भी है और इधर भी है। ये एकदम यूनिक और एकदम बढ़िया डिज़ाइन है। ये देखिए ब्यूटीफुल, एकदम नई डिज़ाइन है ये। ये देखिए दोनों साइड से इसमें पत्तियां हैं। यहाँ पे आप फ्लावर बना के लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ रोज़ बना के लगा दीजिए, या फिर कोई और फ्लावर बना के पम भी लगा सकते हैं, कोई मोती भी यहाँ पर टक कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसको हम बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए ये देखिए ये इसका फर्स्ट स्टेप है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ये देखिए इस फ्लावर का जो देखिए हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया है, आपस में सारी पत्तियों को ये टक कर दिया है। और यहाँ देखिए इस तरीके से हमने बनाया, देखिए दोनों साइड से फ्लावर की पत्तियाँ बनी हुई हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए इस साइड भी देखिए इस तरीके से ये पत्तियाँ हैं, इस साइड की एक तरफ की और एक तरफ की ये पत्तियाँ हैं। उसके बाद से हम दूसरे कलर से या फिर इसी कलर से इसको यहाँ से यहाँ बुनेंगे, यहाँ से यहाँ क्रोशिट करेंगे वर्क, और सारा ये करते हुए इसको एक बराबर इसको कंप्लीट करके फिर इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे। इस तरीके से देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट भी किया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए एक ही इसी कलर के धागे से देखिए हमने यहाँ पे इसको टक कर दिया। ये देखिए ऐसे उसी से हमने इसको यहाँ पे टक कर दिया है। आप दूसरे कलर से भी चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद से इसको फिर हम फिलअप कर देंगे, भर देंगे इसको दूसरे कलर से या उसी कलर से। इस तरीके से हम कई सारी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए ये भी इसी तरीके से है। ये देखिए दोनों साइड से पत्तियाँ हैं इसमें। तो चलिए ऊपर वाला जो ये है इसको ज्वाइंट करना बताते हैं इसको, इस तरीके से इसको कैसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से इसको फिलअप कैसे करेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर ले लिया है, और ये हमारा ब्लू कलर का थ्रेड है, इससे हम इसको इसकी पत्तियों को ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से हम करके इसको इसमें से थ्रेड को निकाल लेंगे इस तरीके से, और आप इसमें जिस तरीके से गांठ लगाते हो उस तरीके से गांठ लगा दीजिए, या फिर इस तरीके से करते हुए यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर दिया। फिर यहाँ देखिए एक बार और इसी में से निकाल के इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेंगे, और देखिए सात ले लेंगे, देख लेंगे कितना हमें चेन लेना है, और इस जगह पे आके यहाँ पे इसको टक करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। देखिए फिर यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन फिर लेंगे, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे आके इसको यहाँ पे टक करेंगे। देखिए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो एक भी पंखुड़ियों को छोड़ना नहीं, देखिए पीछे वाले को भी पकड़ना है और आगे वाले को, ताकि आपस में दोनों ज्वाइंट हो जाएं। फिर देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात चेन बनाएंगे, और फिर पीछे वाली पंखुड़ी को ऐसे लेके जिसमें ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से ऐसे। फिर देखिए दोनों पंखुड़ियाँ ज्वाइंट हो रही हैं हमारी। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बनाएंगे, और फिर देखिए इस वाले में ऐसे ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमको ये पूरा देखिए इस तरीके से ज्वाइंट करना है। इतने फंदे रखने हैं हमें जिस हिसाब से आप बनाइए, मानिए आप बड़ी पंखुड़ियाँ बनाएंगे तो बहुत मतलब ज़्यादा चेन लीजिएगा, साथ ही नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेंगे, और अगर छोटी हैं तो सात आठ नौ, जिस तरीके से मतलब आप यहाँ से इसमें खिंचाव ना हो इस तरीके से बनाना है। तो इसको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आगे इसमें कैसे क्या करना है। ये देखिए इतना हमने इसको देखिए पूरा इसकी आउटलाइनिंग कर ली इतनी, अभी लास्ट वाला बाकी है। फिर यहाँ पे हम सेवन चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बना लिए, और फिर यहाँ पे स्लिप चेन से इसमें हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ऐसे। इस तरीके से हमारा ये पूरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखिए इसमें क्या करना है, फिर एक दो और तीन चेन लेंगे, और देखिए इसको कैसे फिलअप करेंगे इस तरीके से डाल के इसमें ऐसे डबल क्रोशेट करते हुए जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे,
पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखते हैं एक रो में हमारा कितना डबल क्रोचेट होता है। तो देखिए दो हो गया, एक चेन को लेके तीन, तीन चार, चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चेन बना लिए हमने। और देखिए इसको इस तरीके से ऐसे फैला देंगे कि इसमें इतना कवर हो रहा है कि नहीं। देखिए इस तरीके से सेवन एक एट चेन बना लेते हैं, एट डबल क्रोशिया ये देखिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में डाल के कुछ भी नहीं करना है, फिर इसमें यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे, फिर यहाँ भी डबल क्रोशेट करना है, डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। देखिएगा ऐसे दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गया, आठ नौ, आठ हमने बनाया था उसमें। तो यहाँ देख लेते हैं इसको हम, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिए भी कवर हो गया, इस तरीके से फिलअप हो गया पूरा। तो देखिए सेम जिस तरीके से ये ब्लू वाला हमने बना रखा है, ये देखिए इस तरीके से सेम वैसे ही इसको बनाएंगे। तो ये देखिए दो रो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, अब हम अभी हमारी ये फर्स्ट रो, तो इस पूरी फर्स्ट रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं सेकेंड रो कैसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये वन रो कंप्लीट कर ली पूरी। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे स्लिप चेन से इसको यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे। आप चाहें तो इसको सिंगल ऐसे भी रहने दीजिए, अच्छा लगेगा, देखिए बहुत प्यारा लुक है इसका। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें डबल करना, तो फिर यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे, और फिर देखिए सारे के बीच में जितने भी ये डबल क्रोचेट हमने बनाया हुआ है इसके बीचों बीच में डबल क्रोचेट करते हुए चले जाना है। देखिए सारे चेन के बीच बीच से करते हुए क्रोचेट चले जाना है, डबल क्रोचेट करना है। ये देखिए इस तरीके से देखिए डबल हो जाएगा। आप जिसको जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 19 टिक्कियाँ बनेंगी इस तरीके की छोटी छोटी, और उनको आपस में ज्वाइंट करके बनाएंगे। आप चाहें तो कम टिक्कियाँ भी बना करके छोटा सा थालपोस बना करके इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इसी तरीके से हम कई टिक्कियाँ बना लेंगे और उनको आपस में ज्वाइंट करके थालपोस की डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ईजी है, बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर।